गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो आप सोच रहे हो कि मेरे हाथ में ये क्या है, ये करताल है। तो आज कार्तिक महीना का लास्ट डे है, तो हम लोग कीर्तन करेंगे और शाम के टाइम हम लोग नाश्ते में क्या क्या बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ एक आंटी भी है जो बहुत ही अच्छा गाना गाता है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो प्लीज़ देखते रहे, वो आ रहे, देख लीजिए। तो आप देख सकते हो कार्तिक महीने में कीर्तन हो रहा है, सभी डांस कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ थोड़ा डांस किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था कीर्तन। ये देखिए, अभी हम लोगों का बंगाली में इसको पीठा बोलते हैं, मतलब दूध के साथ बनेगा। आप मेरे साथ बने रहे, आज शाम का खाना हमारे घर में क्या बन रहा है, मेरा मम्मी बना रहे। और ये जो मिक्सी है, इसमें जो चावल है इसको भिगो के एक दो घंटे, उसके बाद इसको मतलब मिक्सी क्या जा रहा है, पीसा जा रहा है। तो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे, फिर मैं दिखाती हूँ क्या बनेगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा नमक मिला है मम्मी ने और कढ़ाई बिठा चुके हैं, तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है कपड़े में, वो करके लगा के, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाता और लग जाता ना इसलिए। तो अभी जो चावल का पेस्ट था, थोड़ा सा पानी मिला के उसको डाला है और थोड़ा सा पानी साइड में दे दिया गया है ताकि ये अंदर से ना चिपके, नहीं तो ये जल जाता। तो इसको उठा रहे हैं, अभी उठा के साइड में रख रहे, तो काफ़ी सारा बन गया, आप देख सकते हो, तीन चार बना लिया है मम्मी ने। तो साइड में जो देख रहे हो, ये मिल्क है, दूध है गाय का, तो इसमें अभी डाल रहे हैं, तो इसको बॉइल्ड करेंगे अच्छे से शक्कर मिला के। तो इसमें अभी तेज पत्ता दिया गया है ताकि इसमें अच्छा सा स्मेल आए, खाने में अलग सा टेस्ट लगे इसलिए। और जो छोड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में वो कर रहा है, तोड़ रहा है ताकि खाने में मज़ा आए। अगर पूरा ये रहता ना तो खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसलिए छोटा छोटा करके इसको टुकड़ा किया है। तो शक्कर ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ने घर के अंदर, मतलब दूसरे रूम पे था शक्कर, तो वहाँ पे आके शक्कर दूसरे डब्बे में भरा है, क्योंकि एक साथ अगर डालते कभी हाथ से गिर जाता तो सब शक्कर वो हो जाए ना, वेस्ट हो जाएगा इसलिए। तो चूल्हा बंद था तो चूल्हे को अभी ऑन किया है और इसमें शक्कर मिलाया जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर उबाल आएगा ना तो हम इसको उतार लेंगे। तो उबालने के लिए हमने रख दिया है, तो हो गया है हम लोगों का। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी ज़्यादा वो नहीं है और इतना टेस्टी है ना, आप एक बार खा के देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने परोस लिया है घर में सभी। तो दोस्तों आप देख सकते हो बन के तैयार हो चुके हैं और अभी मैं खा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप लोग घर में प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही लाजिस मज़ेदार खाना बना है। तो आशा करती हूँ व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहे, बाय बाय। और पीछे ये मच्छरदानी दिख रहा है तो इग्नोर करें प्लीज़, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ है, मैंने कुछ भी ठीक ठाक नहीं किया है क्योंकि पूरा दिन मैं बिजी थी। और भी व्लॉग आप लोगों को मिलता रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को। बाय बाय।